दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग करियर पर। मेरा नाम उमेश यादव है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज यानी क्लर्क के बारे में। दोस्तों आप लोग जो है डेडिकेशन के साथ पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबको जो है इस बार एग्जाम में डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगा। इस वीडियो में दोस्तों एक ट्रिक आपको सबको बताने वाला हूं जिससे आप अपने एग्जाम में 80 out of 80 स्कोर कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर 2019 का जो कट ऑफ है उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी दोस्तों ये वीडियो दोस्तों आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को देखिएगा, जो मैं ट्रिक आप सबको बताने वाला हूँ उसको अप्लाई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली जो है एग्जाम में आपको अच्छे स्कोर होंगे और आप कट ऑफ भी क्वालिफाई करेंगे और मेन के लिए भी आप प्रिपेयर होंगे। तो दोस्तों आप लोग अपने चैनल बैंकिंग करियर पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप लोग जो है इस कटअप को आप लोग देख लीजिए। ये जो है आपका जनरल का कटअप है और आप लोग जो भी आप में से जनरल कैंडिडेट हैं आप लोग अपने अपने जो स्टेट का कटअप देख लीजिएगा। OBC के और अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं आप लोग के लिए जो है दोस्तों जो है आप लोग अपना गूगल करके आप लोग अपना कटअप देखना। लेकिन जो है आप सबको अभी क्या करना है, जनरल और OBC का कटअप जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है सेम ही रहता है। जनरल OBC और EWS का SC और ST और अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनका जो कटअप जो है थोड़ा सा कम होता है। बट अपने को अभी क्या करना है, आप में से जो भी कैंडिडेट जो है OBC EWS और जनरल के कैंडिडेट हैं आप लोग जो है अपने कटअप एक देख लीजिएगा। अपने अपने स्टेट का जो स्टेट छूट गया होगा उसको आप लोग मेंशन कीजिएगा, मैं आपको जो है कमेंट करके आपको बता दूंगा, नहीं तो आप लोग गूगल में जा करके देख लीजिएगा। जैसे मैं बात करूं दोस्तों बिहार का पिछले बार का कटअप गया था 74.25 गया था, 80 में से आपको 74.25 कटअप गया था मैं बिहार की बात करूं तो दोस्तों अपने को क्या करना है, अभी प्रैक्टिस करना है और अपने को टारगेट रखना है कि बिहार का कटअप जो था 2019 का जो कटअप था उसमें जो है दोस्तों अपने को कोशिश करना है कि अब जो भी आप टेस्ट कर रहे हो मेमोरी बेस्ड पेपर कर रहे हो तो आपको 74.25 आपको लाने की कोशिश करना है। अब जिन कैंडिडेट का आ रहा है उनको उनके बारे में बात करते हैं, जिन कैंडिडेट का नहीं आ रहा है उन आप लोगों के बारे में बात करेंगे। आप लोग जो है परेशान होने की बात नहीं है, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, आप कर सकते हैं, अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है। एकदम आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे स्टार्ट करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। जो आपका एक क्लर्क का एग्ज़ाम होता है काफ़ी आसान होता है, आपका बेसिक अगर आप ठीक है तो आप डेफिनेटली जो है स्कोर कर सकते हैं। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेमोरी बेस्ड पेपर का मैंने IBPS आपका जो RRB ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क का जो है पेपर का लिंक दिया हूँ उसको जा करके आप अटेम्प्ट कीजिए। और आप जिस भी स्टेट से हैं उसमें देखिए कि आपको जो है प्रीवियस ईयर का पेपर जो था पिछले उसमें आपको कितना स्कोर आ रहा है। और उसके एक और जो है जो लिंक भी मैंने दिया हूँ आपका लाइव टेस्ट का है उसको भी आप जा करके कीजिएगा, वो भी आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर ही है। जैसे आप बात करें देखिए, अगर आपको जो है 74.25 जो है बिहार का कटअप था और आपने प्रीवियस ईयर का पेपर आपने सॉल्व किया, अगर आपको 74.25 आ रहा है तो बहुत अच्छा, आपकी पढ़ाई हो गई है, आप अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हैं। बस आपको क्या करना है, टेस्ट को अच्छे से लगाना है और एनालिसिस करना है और प्रीवियस ईयर का पेपर आपको जो है आपको रेगुलर बेसिस पर करना है। आपको डिफरेंट सोर्सेज पर मिल जाएगा, प्रैक्टिस मॉक पर भी आपको मिल जाएगा सभी जो पेपर है। और आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पर आपको जो है मेन टॉपिक जो आपको पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जैसे क्वांट की बात करें तो आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, DI और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से आपके 25 प्लस आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है आउट ऑफ 40। तो इन टॉपिक का जो है आपको रेगुलर बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करना है और टेस्ट लगाना है। और बाकी जो मिसलेनियस जो चैप्टर बेसिस प्रॉब्लम है उसको भी आपको डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो भी आप में से कैंडिडेट हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो है 74.25 अगर स्कोर आप कर ले रहे हैं, अगर बिहार की बात करूँ, आप अपने स्टेट में जाकर के देखना जितना होगा उतना आप लाने की कोशिश करना। अब जिन भी स्टेट का कैंडिडेट का जो है आप अलग अलग स्टेट से अगर आपको जो है स्कोर उतना नहीं हो रहा है तो आप सबको क्या करना है, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि जो आपने पेपर सॉल्व किया था उसमें आपने कौन से एरिया में आपका जो है कम स्कोर हुआ। सपोर्ट है कि आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर रहे थे तो आपको जो है वहाँ पर आपको जो है काफ़ी टाइम लग गया, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते वक्त आपको जो है 10 सिंप्लीफिकेशन पूछा हुआ था तो वहाँ पर आपको जो है 4 मिनट लग गए, 5 मिनट लग गए या 6 मिनट लग गए, आप उसको देखिए। अगर वहाँ पर आपके सिंप्लीफिकेशन में आपके जो है टाइम लग जा रहे हैं तो आपको डेली आपको क्या करना है, 20 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन उठाना है और उसको आपको प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप प्रैक्टिस मॉक का लिंक दिया वहाँ जाओ, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे सिंप्लीफिकेशन के हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर आपको उसको प्रैक्टिस करना है। आपके आपके जो DI में जो है आपके स्कोर नहीं हो रहे हैं, DIs में स्कोर नहीं हो रहे थे, DIs का आपको प्रैक्टिस करना है। यानी जिस भी एरिया में क्वांट में स्कोर नहीं हो रहा है वहां आपको क्या करना है, डेली आपको 20 क्वेश्चन का सेट लगाना है और ये आपको कंटिन्यू जो है दोस्तों 10 से लेकर के 15 दिन करना है,
10 से 15 दिन करोगे दोस्तों, तो ये जो है आपको जो है आपको ऑटोमेटिक जो है आदत हो जाएगा, उसको आप रेगुलर बेसिस पर करने लगोगे और आपका स्कोर जो है ऑटोमेटिक जो है आपका स्कोर जो है इंक्रीज हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो अगर आपको पजल में, आपको जो पजल तो बहुत सिंपल होता है, आप एक मिनट में जो है इस 5 क्वेश्चन जो है आप आराम से सोल्व कर सकते हो अगर आपका पजल का अच्छा कंसेप्ट है। तो रीजनिंग के लिए आपको बस 22 मिनट में आपको जो 40 क्वेश्चन है आप आराम से जो है 40 क्वेश्चन जो है 22 मिनट में आप कर सकते हैं। रीजनिंग काफ़ी आसान होता है, आप जाकर के प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइएगा तो आपको पता चलेगा, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने उसको लगाया भी होगा। तो आपको जो अगर सपोर्ट है कि पजल में आपको जो है पजल में हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट में आपको हो गया, आपको जो है टाइम लग रहा है, तो उसको आप क्या कीजिए डेली जो है 5 to 6 आपको जो है पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का आपको क्वेश्चन करना है, वो भी आपको प्रैक्टिस मॉक को मिल जाएगा, बैंकर्स अड्डा के साइट पर मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस मॉक से कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा है वहाँ पर, या कोई भी अदर सोर्सेज से कीजिएगा तो आपको जो है वो आपको जो है वो हो जाएगा, आप उसको डेली बेसिस पर आप ये कीजिएगा। तो ऐसे कीजिए दोस्तों, और टेस्ट के लिए आप कहीं से भी टेस्ट कीजिए, आपको जो भी अच्छा लगता है आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो IBPS गाइड का जो है गाइडली जो है हो गया उसका टेस्ट कीजिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो बाकी आप जो भी कर रहे हैं, वो लाइव बोर्ड कर रहे हो, प्रैक्टिस मॉक कर रहे हो या अड्डा कर रहे हो, कोई भी कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिस मॉक और आप IBPS गाइड का कीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है, आप वो यहां से जो है काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। तो आप ऐसे करेंगे, इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा कि सर मेरा स्कोर नहीं हो रहा है, उसको कैसे इंप्रूव करना है, मैं आप सबको जो है गाइड करूंगा। सबसे पहले आपका जो प्रीवियस ईयर का एक कटअप है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब आप में से जो भी कैंडिडेट न्यू हैं, अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, आपका जो है बेसिक क्लियर नहीं है, आपको एग्जाम में टेस्ट दे रहे हो तो उसमें अच्छे स्कोर नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करो दोस्तों, ये वीडियो कोर्सेज जो है गाइडली एक्सप्रेस वीडियो कोर्सेज, इसको जाकर के ले लो। यहाँ पर आपको 1200 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, 500 प्लस वीडियो आपको कोर्सेज मिलेगा, 300 प्लस 50 जो है आपको जो लाइव क्लासेस का कोर्सेज मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ऑफ इंडिया का जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है वो लोग आपको गाइड करते हैं, आपको किसी एरिया में आप वीक हैं तो आपको जो है गाइड करते हैं, उसमें आपको कैसे उसको स्टडी करके आपको स्ट्रांग बनाना है, आपको इसका लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा और इसको डेस्कटॉप मोबाइल कवर कहीं भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 100% जो अमाउंट है आपको रिफंड हो जाएंगे, और दोस्तों अपने चैनल बैंकिंग करियर से आपको 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए मैं आप सबको रिकमेंड करता हूं क्योंकि ये कोर्सेज जो है वेरीफाइड कोर्सेज है और आपका इस कोर्सेज के पढ़ने से जो है इस कोर्सेज के थ्रू टेस्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है, और इंडिया के जो टॉप फैकल्टी हैं उन लोगों ने इस कोर्सेज को डिजाइन किया, तो आप इस कोर्सेज के ऊपर बिलीव करके आप ले सकते हो। इसका प्राइस भी जो है 2249 रुपये है, 15% डिस्काउंट करके आपको 1800 समथिंग रुपीज का पड़ेगा, तो इसको थ्रू आप जाइए उसको ले लीजिए और पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हूँ उसको जाकर के आप फ्री जो टेस्ट है उसको जरूर कर लीजिए। अपने चैनल बैंकिंग करियर से जुड़े रहिए, आप सबको कोई भी हेल्प होता है तो मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूँ, और मेरा टारगेट है कि आप सबका जो IBPS RRB PO और क्लर्क में इस पर आपको सिलेक्शन 100% हो, और आप डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।